वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहली शिकायत आप लोगों से है मेरी, आप लोग वीडियो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, बहुत हिम्मत मिलती है अगर आप लोग मुझे पुश करेंगे ना, तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको भी, मेरी दुआएं भी मिलेंगी आपको। तो आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली का हिस्सा बनना, तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर किया कीजिए। और जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ घर के काम, और जो है इसके पापा ना, आज मेघा के पापा गए हुए हैं मथुरा वृंदावन, तो ये सुबह 4 बजे चले गए थे और उसके बाद मैं फ्री थी और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई एक जन भी, मतलब मेन जो होता है वो तो घर के जो बड़े हैं वो होते हैं, तो मेरे हस्बैंड मेरे से बड़े घर में वही हैं अभी, और मम्मी तो सो ही रही थी घर पे। और मम्मी भी थोड़ा सा ना मुझे परेशान नहीं करती है, मतलब तो वो सो रही थी और मैं काम कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी अभी लेफ्ट ओवर मेरी जो कल की सब्जी बच गई थी ना, आलू की सब्जी और पेठे की, तो मेरी बच चुकी है, बहुत सारी बच गई है। और आज ये भी जा चुके हैं मथुरा, और फिर कुछ इतना है नहीं, मतलब कोई है नहीं इतना, बस बच्चे हैं, मैं हूँ और मम्मी है। तो मैं सोच रही थी कि पेठा तो पड़ा है, पेठा तो रोटी के साथ खाया जाएगा और वो ख़राब भी नहीं होता है जल्दी से, लेकिन जो आलू की सब्जी है ना वो ज़्यादा खाई नहीं जाती है, बहुत दिन नहीं खा सकते हैं। तो मैं उसके बनाऊंगी पराठे, मतलब सब्जी का आटा गूंद के ना पराठे बनाऊंगी, और बहुत ही अच्छे लगते हैं दही के साथ, मक्खन के साथ या फिर मलाई के साथ, आप जैसे खाना चाहें, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं यही बनाने वाली हूँ आज, और सब्जी भी काम में आ जाएगी और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा अच्छा सा। तो चलिए मैं ये स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर कुछ बात करूंगी आपसे। तो आटा लगाने के लिए आटा निकाल लिया है मैंने, इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी, उससे क्या होता है ना थोड़ा सा जो टेस्ट है ना वो अच्छा आ जाता है, तो बेसन ऐड कर लूँगी। और मेरे पास ना अजवाइन नहीं थी, अगर अजवाइन होती तो मैं वो भी ज़रूर डालती। अजवाइन डालने से भी ना जो इस तरह के जो पराठे आप बनाते हो ना, कोई भी आटा लगा के सब्जी से या दाल से या किसी भी सब्जी से आटा लगा के अगर आप पराठे बनाते हो ना, तो उसका जो अजवाइन का फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है उसमें। तो मैंने इसमें बस थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक डाल लिया था, क्योंकि सब्जी में ना ऑलरेडी मिर्ची भी थी और नमक भी था, तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक उस हिसाब से ही डाला कि तेज़ नहीं होना चाहिए। और मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च मैंने काट के डाल ली थी कि हरी मिर्च का टेस्ट भी अच्छा आता है। मैंने इसमें प्याज नहीं डाले, अगर आप प्याज डालना चाहें ना तो ज़रूर डालें। मैंने तो लड्डू गोपाल को भी खिलाना होता है, क्योंकि आटा तो फिर मैं यही लगा रही हूँ और दूसरा आटा तो फिर नहीं लगाऊंगी कि मैं कुछ और उनका सिंपल सा बनाऊं, तो इसीलिए मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया था। और ये सब्जी अच्छी सारी बची हुई थी और ये सारी सब्जी ही इसी आटे में यूज़ हो गई और मतलब वेस्ट नहीं हुई, तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कोई चीज़ ख़राब नहीं जाती है ना। तो इस चीज़ से ना मुझे उस दिन की याद आई जब मेरी दादी की बात है, मेरी दादी जब थी उस टाइम की बात है, मैं छोटी हुआ करती थी, तो मेरी दादी जैसे कोई सब्जियां बच जाती थी, बनती थी घर में सब्जियां तो बच जाती थी, चाहे दाल हो, चावल हो या कोई सूखी सब्जी हो, तो मेरी दादी क्या किया करती थी, बची हुई सब्जी से ना जितनी सब्जी होती थी उनको मिला के ना आटा लगा लिया करती थी। और मैं ना नहीं खाती थी, मेरी मम्मी तो जॉब किया करती थी तो दादी ही मुझे पालती थी उस टाइम पर। तो चलिए ये बात करते हैं बाद में, फिलहाल जो है यहाँ पे मैं दूध बॉईल करने के लिए चढ़ाऊँगी। ये जो दूध है आज अमूल का लिया, वैसे मैं बफेलो मिल्क ले रही थी बट क्या हुआ है अभी ना आज मिला ही नहीं, तो ये कुनाल लेके आया था और यही वाला लेके आ गया कि मम्मी वो बफेलो वाला तो मिला ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो इसी को भी मैं बॉईल करने के लिए बस चढ़ा दूंगी। और ये छोटी छोटी डब्बी आपको मैं जो दिखा रही हूँ ना, ये सच में इतनी काम आ रही है ना मेरे, ये मुझे होम फिट्स है यहाँ पे, वहाँ से जो है चटनी वगैरह का कुछ चीज़ लेते हैं ना, उसमें ये छोटी छोटी डब्बियों में डाल के देते हैं, तो ये मैं वॉश करके ना रख लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें ये बहुत ही काम आ जाती हैं, इसमें जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ कई बार बादाम डाल के ले जाऊँ, चटनी कोई भी चीज़ की डाल के ले जाऊँ या कुछ भी अचार वचार, तो बहुत काम आती है। और अभी फ़िलहाल जो है कुछ टाइम से मैं सेंधा नमक ही यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी मैं आ जाऊँगी ब्रश करने के लिए। तो क्या बात करी थी मैं आपसे कि क्या होता था, मैं छोटी होती थी जब मेरी दादी इस तरह की सब्जियों से आटा लगा लेती थी ना, तो मैं सब्जियां खाती नहीं थी। मेरे हर बच्चे में जैसे आदत होती है, तो
मैं सब्जी नहीं खाती थी तो मेरी दादी मुझे बताती नहीं थी, वो ऐसे गूंद के आटा और पराठा बना देती थी और मुझे दे देती थी। मुझे समझ में भी नहीं आता था उसमें है क्या, मतलब कुछ भी सब्जी घिया होता था, पेठा होता था, कुछ भी बचता था ना तो वो उसी आटे में लगा के ही खिला देती थी। तो वही चीज़ मुझे याद आ रही थी। और यहाँ पर मिल्क हो चुका है बॉयल और मैं नहाने भी चली जाऊँगी, अभी मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद मैं पूजा पाठ भी करूँगी। क्या होता है कि जब आप मतलब कहते हैं ना कि हमारा जो माइंड होता है वो कुछ ऐसी चीज़ चाहता है कि एक आपको रिलैक्स हो जाओ, या कुछ एनर्जी, कुछ भी, मतलब कुछ भी, किसी को किसी काम में खुशी मिलती है, किसी को किसी काम में खुशी मिलती है, तो हर किसी का अपना अलग रहता है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो इसी काम में मिलती है जो आप देख रहे हैं। तो बड़ा मतलब पॉजिटिव मन हो जाता है मेरा ना, अंदर से एक खुशी सी उमड़ जाती है कि हाँ, मतलब मुझे ना उतना टाइम मिल नहीं पाता है जितनी मैं चाहत रखती हूँ इस सब चीज़ की ना, तो मुझे उतना समय मिल नहीं पाता है। तो कई बार मुझे बुरा फील भी होता है कि मतलब मुझे उतना समय क्यों नहीं मिल पाता जितना मैं चाहती हूँ ये करना। पूजा पाठ में मुझे बड़ा मन लगता है। तो अभी जो है ना, ये जो गंगा जल ही होती है, जो मतलब गंगा जल डाल के ये छिड़कने वाली होती है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। क्या हुआ था ना कि मैंने इसको मंगवाया था तो प्लेन ऑर्डर किया था, बट ये आ गई तो बहुत मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे लगता है लीकेज है, बट अब रिटर्न का चांस है नहीं, बहुत दिन हो गए हैं रखे हुए, मैंने यूज़ नहीं की थी। तो अभी इधर आ जाऊँगी मैं रोटी और बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। तो आज हम खाने वाले हैं यही पराठे जो मैंने आटा लगाया है आलू की सब्जी का, और बिलीव मी इतने टेस्टी बने थे ना कि मज़ा आ गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं क्या थेपला टाइप बनता है ना, वैसा कुछ मतलब टेस्ट अच्छा आ रहा था। और अभी मैंने चाय में अदरक डाल ली ना, बंद कर दिए क्योंकि अभी गर्मी पड़ गई है, फिर गर्मी मतलब पड़ने लगी है, तो अदरक जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, और मुझे ना एसिडिटी का प्रॉब्लम भी रहता है और थोड़ी सी जैसे गले में ना जलन सी भी होने लग गई थी कुछ दिनों से अदरक वाली चाय, इसलिए मैंने 2-3 दिन से बंद कर रखी है। मैं जो इलायची होती है ना उसे डाल के बना लेती हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे पराठे, और इस जो इस तरह का आटा गूंद के पराठे बनते हैं ना वो बहुत इजी भी होते हैं, क्योंकि उसे हमें रोटी की तरह ही बनाना होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हर चीज़ डली हुई होती है, तो उसमें मेहनत भी कम लगती है, समय बचता है, तो मतलब टाइम भी कम लग जाता है और टेस्टी भी बनते हैं। तो अभी एक साइड मेरी चाय बन रही है, एक साइड पराठे बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने, और अभी बस रेडी होके निकलूँगी ऑफिस के लिए। तो इसके साथ हम आ जाते हैं वीडियो के एंड पे। आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, जिससे कि आपको मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ व्लॉग्स मिल सकें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।